subscribe to my channel. लास्ट वीडियो में हम देखे थे ये फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके एलिवेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिवेशन बना हुआ है, ये फ्लोर प्लान के एलिवेशन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑटोकैड ओपन कर लीजिए। ये फ्लोर प्लान है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ था। तो अभी हम इसका प्रोजेक्शन लाइन लेने वाले हैं। प्रोजेक्शन लाइन लेकर हम इसका एलिवेशन बनाने वाले हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन लेने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन लाइन लेना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट कमांड है एक्सेल, वी फॉर वर्टिकल, एक्सेल इंटर, वी फॉर वर्टिकल। तो आप यहाँ से वर्टिकल लाइन ले सकते हैं। तो फिर आपको अगर यहाँ से लेना है तो यहाँ पे ड्रॉ कमांड आप देख सकते हैं। ड्रॉ कमांड में जाने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन दिया हुआ है वी फॉर वर्टिकल, तो आप भी यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं। उसके बाद एक्सेल इंटर, वी फॉर वर्टिकल। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोजेक्शन लेने वाला हूँ, ये वॉल प्लिंथ और आउटसाइड वॉल का मैं प्रोजेक्शन लेने वाला हूँ। फिर यहाँ पे विंडो, ओके, देन यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लेने वाला हूँ प्लिंथ का। फिर ये आउटसाइड वॉल, देन फिर ये आउटसाइड वॉल प्लिंथ, प्लिंथ, देन फिर ये वॉल, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लिंथ। ओके, तो मैंने आउटसाइड वॉल का प्रोजेक्शन ले लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जाने के बाद हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लेता हूँ। तो एक्सेल इंटर H फॉर ओरिजेंटल, देन यहाँ पे मैं एक कहीं पे भी एक लाइन ले लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंडेशन, ये आपका प्लिंथ का हाइट दिया हुआ यहाँ पे 0.6 मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ऑफसेट कर लेंगे। सो ओ फॉर ऑफसेट 0.6, क्लिक दिस लाइन एंड क्लिक अप, देन नेक्स्ट आपका ऑफसेट है यहाँ पे विंडो का सील हाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सील हाइट 0.9 मीटर दिया हुआ है, देन 2.1 विंडो का हाइट है। तो यहाँ से हम सील हाइट लेने वाले हैं 0.9, देन ओ फॉर ऑफसेट 0.9। ये लाइन पे क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अगेन सेलेक्ट करेंगे और ऊपर 2.1 लिंटल हाइट। तो ये आपका हो गया लिंटल हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंटल हाइट आपका दिया हुआ नहीं है, तो 2.1 आपका यहाँ से ये स्लैब प्लिंथ से 2.1 होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से 2.1 लेने का है, तो ओपर ऑफसेट 2.1 लिंटल हाइट, तो प्लिंथ से 2.1। ओके, देन ओपर ऑफसेट इसका स्लैब का थिकनेस, सो स्लैब का थिकनेस 0.1। ओके, देन आपके अगेन ऑफसेट करेंगे, तो ऑफसेट आपका करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा रूफ है, रूफ का हाइट जो फ्लोर से दिया हुआ 3 मीटर दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 मीटर ऑफसेट कर लेंगे। ओ फॉर ऑफसेट 3 मीटर, सेलेक्ट दिस लाइन
क्लिक अपसाइड, देन अगेन थिकनेस, सो थिकनेस आपका दिया हुआ है 0.12, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन लाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, आर ई सी रेक्टेंगल ले लेंगे यहाँ से, दूसरे कलर में ले लेते हैं, तो यहाँ पे येल्लो सेलेक्ट कर लेते हैं, देन आर ई सी आपका ये पॉइंट से ये पॉइंट तक रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद आपको क्या करना है, ये लाइन को आपको इरेज कर देना है, ये आपका प्लिंथ का लाइन है, तो इसको आपको सिंपली इरेज कर देना है, और ये लाइन जाएगा आपका ये लास्ट तक, यहाँ तक, ओके। और इसको भी हम सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे, ओके। देन यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं येलो लाइन ही ले लेते हैं, तो एल फॉर लाइन, इस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करना है यहाँ तक, ओके। देन ये साइड में भी आपको ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक, देन अप टू हियर, ओके। देन उसके बाद आपको ये लाइन भी ड्रॉ कर लेना है, ये आपका प्रोजेक्शन है प्लिंथ का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लेंगे, ये लाइन से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, देन अभी ये लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इरेज कर देंगे, देन एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये बोला आपका हेडरूम का लाइन देखेगा यहाँ पे, देन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली इसको सेलेक्ट करके इसको इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, बाद में मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लूँगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमारा ये रूप का प्रोजेक्शन है, तो रूप का प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सेल वी फॉर वर्टिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूप प्रोजेक्शन, यहाँ भी रूप प्रोजेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद आपको आर ई सी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से ये पॉइंट से, तो सिंपली लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, हम लाइन ले लेते हैं यहाँ से, एल फॉर लाइन, एल फॉर लाइन, यहाँ से आपको सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेना है अप टू हियर, इधर भी एल फॉर लाइन, यहाँ से दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट अप टू हियर, तो ये मैंने स्लैब का भी प्रोजेक्शन ले लिया, अभी इसको सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे, टी आर डबल एंटर, यहाँ से इसको इरेज ट्रिम कर लेंगे, उसके बाद टी आर डबल एंटर इसको भी ट्रिम कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी हमको हेडरूम ड्रॉ करना है और पैरापेट वॉल भी ड्रॉ करना है, तो हेडरूम का आपका हाइट देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लैब से 2.1 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका स्लैब ओवर ऑफसेट 2.1।
यहाँ से 2.1 ऊपर ऑफसेट कर लेंगे। अगेन ओ फॉर ऑफसेट 0.12 इसका थिकनेस ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से मैं हेडरूम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हेडरूम के लिए आप देख सकते हैं ये लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक, फिर ये लाइन को भी मैं यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं हेडरूम का स्लैब का प्रोजेक्शन लेना है, तो एक्सेल फॉर एक्सटेंशन लाइन वी फॉर वर्टिकल, देन यहाँ से मैं इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। प्रोजेक्शन लेने के बाद आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, ये पॉइंट से ये पॉइंट। अब सिंपली इसको क्या करना है, इरेज कर देना है, टी आर डबल इंटर ट्रिम द एक्स्ट्रा लाइन। तो ये हो गया आपका हेडरूम, टी आर डबल इंटर, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन आपका भी रेडी हो चुका है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, ये तो प्रोजेक्शन रेडी हो गया, तो अभी हमें विंडो ड्रॉ करना है। तो विंडो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं विंडो का, तो एक्सेल इंटर वी फॉर वर्टिकल। तो यहाँ पे विंडो का हमें चार प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे दो फॉर छज्जा के लिए और दो विंडो के लिए। तो यहाँ पे मैं विंडो का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद इसको ऑफसेट कर लेंगे। तो ओ फॉर ऑफसेट 0.6 द प्लिंथ हाइट, देन 2.1 इज द लिंटल हाइट, यहाँ से 2.1, देन का 2.1 आपका लिंटल हाइट हो गया। फिर यहाँ पे आपको 1.5 ये हाइट आपका विंडो का हाइट 1.5 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओवर ऑफसेट 1.5, यहाँ से 1.5 ऑफसेट कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लिंटल का थिकनेस शो करना है, ओके। सो ओ फॉर ऑफसेट यहाँ से 0.01, ये छज्जा का थिकनेस। तो यहाँ से अभी हमें रेक्टेंगल लेना है, आर ई सी और रेक्टेंगल, यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ से आपको कलर चेंज कर देना है, विंडो का कलर हम स्काई ब्लू ले लेते हैं। तो आर ई सी ये छज्जा हो गया आपका, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, अगेन आर ई सी, यहाँ से लेके ये पॉइंट से ये पॉइंट तक को रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके इसको इरेज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने विंडो को ड्रॉ कर लिया है। विंडो ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, इसका फ्रेम को ड्रॉ करना है। तो ओ फॉर ऑफसेट 0.05 ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट करने के बाद एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, देन ये पॉइंट से आपको ये पॉइंट तक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। देन अगेन इसको ऑफसेट करेंगे, ओ फॉर ऑफसेट 0.03 इनसाइड, देन इसको कॉपी कर लेंगे, सी ओ फॉर कॉपी, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। तो ये विंडो आपका रेडी हो चुके हैं।
अभी हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके ये दोनों लाइन को, तीनों लाइन को इरेज कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अभी छज्जा का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे छज्जा है। एक्सेल व्यू फॉर वर्टिकल, तो ये छज्जा भी दिखेगा। तो यहाँ से आपको छज्जा का भी प्रोजेक्शन ले लेना है। तो ये हो गया छज्जा। छज्जा का प्रोजेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल एच फॉर ओरिजेंटल, देन यहाँ पे एक पॉइंट, देन यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है। उसके बाद आपको आर ई सी और रेक्टेंगल यहाँ से छज्जा ड्रॉ कर लेना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। देन एक लाइन लेना है स्लोप के लिए, एल फॉर लाइन, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देन अगेन लाइन लेना है, इंटरप्रेस करेंगे, देन लाइन ले लेंगे यहाँ से। अभी हमें क्या करना है, इसको सिंपली इरेज कर देना है। ओके, इरेज करने के बाद आपको टी आर डबल इंटर जस्ट टू ट्रिम दिस लाइन, टी आर डबल इंटर इसको ट्रिम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छज्जा का भी प्रोजेक्शन ले लिया। अभी यहाँ पे हेडरूम का विंडो शो करना है। तो हेडरूम का विंडो शो करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे, ये मैंने ड्रॉ कर चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 2.1, यहाँ पे 2.1, देन 0.3, 2.1 आपको बॉटम ऑफ स्लैब से 2.1 लेना है। तभी यहाँ पे आपको क्या करना, ऊपर ऑफसेट 2.1 यहाँ से ऑफसेट कर लेंगे, देन ऑफसेट ऊपर ऑफसेट 0.3 इसको ऑफसेट कर लेंगे ऊपर की तरफ। देन अगेन आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2.96, इसका विंडो का हाइट दिया हुआ 2.96, ओवर ऑफसेट 2.96, यहाँ ये हो गया आपका विंडो। ओके, देन यहाँ पे एक्सेल बी फॉर वर्टिकल, यहाँ पे आपको विंडो का भी प्रोजेक्शन ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, देन आपको ये लाइन को सेलेक्ट करके इरेज कर देना है जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। देन ओ फॉर ऑफसेट 0.05, इसको सेलेक्ट करके इनसाइड क्लिक करना है। देन आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, देन आपको यहाँ से ए सेंटर तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। देन ओ फॉर ऑफसेट 0.03, इसको सेलेक्ट करके इनसाइड क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, सी ओ फॉर कॉपी, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, अगेन दिस पॉइंट, यहाँ पे सेंटर। तो आप देख सकते हैं मैंने हेडरूम का भी विंडो ड्रॉ कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डोर ड्रॉ करना है, एंड देन यहाँ पे स्टेयर, ये स्टेयर केस, देन आपको यहाँ पे पैरापेट वॉल भी ड्रॉ करना है। तो पैरापेट वॉल आप देख सकते हैं 0.9 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए पैरापेट वॉल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओवर ऑफसेट 0.9, को ऊपर की तरफ ऑफसेट करेंगे, देन यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट करेंगे, देन यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, एल फॉर लाइन, पैरापेट वॉल आपको यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सिंपली इसी को एक्सटेंड कर देंगे, ई एक्स फॉर एक्सटेंड, यहाँ से मैंने एक्सटेंड कर चुका है, ई एक्स इंटर, देन ये इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे,
इसको ट्रिम करते हैं टी आर डबल इंटर। ओके, तो ये हो गया आपका पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल के बाद हमें क्या करना है, डोर को ड्रॉ करना है। तो डोर का भी प्रोजेक्शन मैं ले लेता हूँ, एक्सेल वी फॉर वर्टिकल। तो यहाँ पे आपको ये डोर का प्रोजेक्शन हो गया, ये हो गया आपका डोर। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इसको एक्सेल इज फॉर ओरिजेंटल, देन यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ से ऑफसेट करना है 2.1, ओ फॉर ऑफसेट 2.1 मीटर, देन सेलेक्ट करेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको क्या करना है, आर ई सी फॉर रेक्टेंगल। डोर को दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं पिंक कलर ले लेता हूँ, आर ई सी रेक्टेंगल दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी इसको सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर लिया, डोर भी ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, डोर का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका डोर का डिज़ाइन। ये हो गया, ओके, तो ये हो गया आपका डोर। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेयर केस ड्रॉ करना है। तो इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक्सेल वी फॉर वर्टिकल, देन यहाँ से आपको ये आपका ट्रेड हो गया। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजर 0.15। तो अभी हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन लेने के बाद आपको एल फॉर लाइन, ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, एल फॉर लाइन, ये पॉइंट से 0.15 इंटर, देन दिस पॉइंट, देन अगेन आपको क्या करना है, सिंपली इसको सी ओ फॉर कॉपी, देन ये पॉइंट से आपको कॉपी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस भी आपका ड्रॉ हो चुका है। अभी इसको सिंपली सेलेक्ट करके इरेज कर देते हैं। ओके, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा एलिवेशन। तो अभी इसको हम कर लेते हैं हैचिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैचिंग और डायमेंशन हमें शो करना है, तो हम कर लेते हैं इसको हैचिंग। यहाँ से विंडो का मिरर भी, यहाँ पे ग्लास भी शो करना है। तो ग्लास के लिए हमें क्या करना है, सिंपली लाइन लेना है यहाँ पे, ये कलर का ही हम ब्लू कलर का लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपल एल फॉर लाइन, यहाँ पे हम ऐसे लाइन ले लेते हैं। ये हो गया, अब इसको सेलेक्ट करके जी फॉर ग्रुप इंटर, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं, देन अगेन सी ओ फॉर कॉपी, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, देन फिर इसको यहाँ भी कर लेते हैं कॉपी, यहाँ भी। ये हो गया आपका ग्लास, ग्लास का सिंबल हो गया। तो नेक्स्ट हम अभी क्या करेंगे, हैच कर लेंगे। सो हैच फॉर हैचिंग, आपको हैच इंटर, देन आपको यहाँ पे चले जाना है, आपको हैचिंग में, देन यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है हैचिंग का। तो हम लेते हैं ग्रेवल, ग्रेवल लेने के बाद हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम कलर ये ले लेते हैं, देन हमें एच फॉर एचिंग ग्रेवल, देन पिक पॉइंट, तो
ये थोड़ा बड़ा आ गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टेयर को भी हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। ओके, इसको क्लोज कर देंगे। तो इमेज फॉर एचिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं 0.01 कर देते हैं। देन इसको हम हैचिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हैचिंग कर चुका हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, सेलेक्ट करके 0.04 इंटर करेंगे तो ये हैचिंग हो चुका है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं इसको सेलेक्ट करके 0.02 कर देते हैं, तो ये सही है। तो ये हैचिंग हो चुका है। अभी मैं क्या करना है, टेक्स्ट और डायमेंशन शो करना है। तो डायमेंशन के लिए आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ से सिंपली आपको ये डायमेंशन शो कर देना है यहाँ पे, और DLI और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन मैं शो कर चुका हूँ, ये 2.1। ऑर्थो ऑन करेंगे, ऑर्थो ऑन करने के बाद यहाँ पे ये डायमेंशन शो कर देंगे, ये डायमेंशन भी हम पैरापेट वॉल का शो कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, डायमेंशन यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे कॉलम शो करना है। तो कॉलम शो करने के लिए आपको कॉलम का भी प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलम नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ इसको फिलहाल। तो अभी मेरे को यहाँ पे आपको डायमेंशन शो करना है, सिर्फ टेक्स्ट शो करना है, और ये ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल शो करने के लिए आपको सिंपल लाइन ले लेना है यहाँ से, एल फॉर लाइन, यहाँ से आपको ऐसे शो कर देना है। देन आपको CO फॉर कॉपी और तो ऑन कर लेंगे, देन यहाँ से कॉपी कर लेंगे, लेकिन CO फॉर कॉपी, देन ई साइड में भी कॉपी कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट लेना है और लीडर लाइन टेक्स्ट लेना है यहाँ से पैरापेट वॉल। LE फॉर लीडर लाइन, T फॉर टेक्स्ट, यस पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल 0.9 meters। इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, डायमेंशन टेक्स्ट का साइज यहाँ पे 0.15। तो ये देख सकते हैं टेक्स्ट मैंने लिख चुका है। तो ये हो गया आपका एलिवेशन कंप्लीट। सो आई थिंक यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है एलिवेशन, यहाँ पे एलिवेशन डबल क्लिक टू एडिट एलिवेशन। सो आपका ये हो गया एलिवेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।